नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आ चुका हूँ एक प्राइम लोकेशन पे, जहाँ पर आपको मिल जाएगा एफोर्डेबल प्राइस में घर। आज का प्रॉपर्टी काफ़ी सस्ता है और प्राइम लोकेशन इसके लिए है। आप देख सकते हो, ये है आपका हाईवे। अब यहाँ से नवी मुंबई इजीली एक से डेढ़ घंटे में आप इजीली पहुँच जाएंगे। इस तरफ से आप जाएंगे, आपका कल्याण जाना है, थाने की तरफ आपको जाना है, तो आप यहाँ से सीधा जा सकते हो। पास में आपका स्कूल है, कॉलेज आपको बिल्कुल पास में मिल जाएगा। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको छोटा सा एक डीमार्ट टाइप का भी आपको मिल जाएगा। स्टेशन अगर आपको जाना है, वो आप यहाँ से 5 से लेके 7 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में आप इजीली पहुँच जाएंगे। सामने आपको दिख जाएगा आपका माउंटेन, फिलहाल मैं वाइट एंगल में शूट कर रहा हूँ। पास में आपका होटल है, स्कूल है, कॉलेज है, वो सारी यहाँ पर अवेलेबल रहेगा और बिल्कुल हाईवे टच प्रॉपर्टी है। तो आज का प्रॉपर्टी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो को आप लोग देख लीजिए। इसमें आपका डाउन पेमेंट, ईएमआई, वो सारी चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा कितने प्राइस पे आपको मिल रहा है ये वाला आपका प्रॉपर्टी, जो कि 1 BHK है, बहुत ही प्यारा सा है। अर्जेंट में उनको सेल करना है, अगर आपको पसंद आता है तो आप लोग इस वाले प्रॉपर्टी पे विजिट कर सकते हो। फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल रोड टच है, तो दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है। इसमें आप स्टेशन आप हार्डली आप 5 से 7 मिनट का वॉकिंग पे पहुंच जाएंगे। अब रेलवे स्टेशन कौन सा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉपर्टी आपका नेरल है, नेरल रेलवे स्टेशन से 5 से लेके 7 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस। सामने एक आपको हॉल भी नज़र आ रहा होगा, ये है आपका हॉल और ज़रूरी सामान और मेन मार्केट जो है वो भी आपका 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में आपको यहाँ पर मेन मार्केट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अभी प्रॉपर्टी पे और मैं आपको दिखा देता हूँ, एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे रहेगा ये वाला आपका प्रॉपर्टी। दोस्तों जैसे आप रास्ते से आएंगे, वैसे आपको यहाँ पर 2-3 सीढ़ी चढ़ के आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए ये वाला आपको पैसेज मिलेगा। इसके अलावा अगर आप नीचे से आते हो, यहाँ से अगर आप आते हो, तो सामने एक आपका बड़े सीढ़ी रहेगा वहाँ तक फर्स्ट फ्लोर पे आने के लिए। तो ये वाला जो है ये आपका ईजी रहेगा, ये आप डायरेक्टली 2-3 स्टेप आएंगे तो आपको फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। नीचे का एरिया मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी सारे फैमिली नीचे रहने के लिए आ चुके हैं। और इस तरफ है आपका प्रॉपर्टी जो कि आपका 485 स्क्वायर फीट का 1 BHK है। इस तरह भी काफ़ी सारे फैमिली रहने के लिए आ चुके हैं और इस तरह भी काफ़ी सारे फैमिली रहने के लिए आ चुके हैं। तो रोड टच प्रॉपर्टी है, बजट में अगर आपको चाहिए तो आप इस वाले प्रॉपर्टी पे विजिट कर लीजिए, एफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये है आपका सेफ्टी डोर। यहाँ पर आपको सेफ्टी डोर के लिए खर्चा करना नहीं पड़ेगा, ये आपको मिल जाता है। और मेन वाला जो डोर रहेगा वो ये वाला रहेगा आपका, ये आपका मेन डोर है। और सबसे पहले आपको मिल जाता है यहाँ पर आपका लिविंग। साइज़ आप देख लीजिए, इस वाले प्रॉपर्टी को देखने के बाद कितने प्राइस में आपको मिलेगा और आपका डाउन पेमेंट कितना जाएगा, ईएमआई कितना आपको पे करना पड़ेगा, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 12 फीट हो गया आपका। थोड़ा सा क्रॉस है वहाँ से, थोड़ा सा क्रॉस है, लेकिन यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये आपका रहेगा आपका 12 फीट के आसपास। और ऐसे में आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 10 फीट के आसपास। अब इतने सारे सामान देख के आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि ये रीसेल प्रॉपर्टी है दोस्तों, लेकिन ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी है। आप आएंगे तो आपको ये वाला प्रॉपर्टी ज़रूर पसंद आएगा। कम बजट में चाहिए तो आप इस वाले प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हो। इस तरफ आप रख सकते हो आपका वॉशिंग मशीन, जैसे कि उन्होंने रखा है यहाँ पर। इस तरफ कुछ टेबल वगैरह रखना है, अगर आपको यहाँ पर टीवी सेट करना है तो आप यहाँ पर अपना टीवी सेट कर सकते हो। और अगर मैं सीलिंग दिखाऊँ तो आपको यहाँ पर PVC शीट का आपको यहाँ पर सीलिंग बनाकर दिए गए, जो कि देखने के लिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और ये ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी है, ऐसे नहीं कि काफ़ी साल हुआ है इसे पोजीशन लेके, हाल फिलहाल में पोजीशन लिया है। इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो एक मिल जाता है, प्लस आपको यहाँ पर ग्रिल लगा हुआ ही मिल जाता है। तो ग्रिल का भी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर ने ऑलरेडी यहाँ पर लगा कर रख दिया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ बेडरूम को। ये है दोस्तों आपका बेडरूम, साइज़ आप देख लीजिए, काफ़ी बिग साइज़ का रहेगा आपका बेडरूम। अगर मैं इसका साइज़ बताऊँ तो अप्रोक्स ये 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 10 फीट के आसपास ऐसे हो गया। और लंबाई में आपको 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 10 फीट 4 इंच के आसपास। तो बेडरूम आप देख लीजिए, काफ़ी बिग साइज़ का आपका बेडरूम रहेगा। फिलहाल तो यहाँ पर सिंगल बेड रखा है, क्योंकि सिंगल पर्सन रहते हैं, फैमिली पुणे में रहता है, इसकी वजह से यहाँ पर हुआ ऐसे कि सिंगल बेड रखा है। आप चाहते हो यहाँ पर डबल बेड तो डबल बेड आपका इजीली आ जाएगा। वॉर्डरोब के लिए आपको स्पेस मिल जाएगा, तो काफ़ी सारे स्पेस आपको और भी यूज़ करने के लिए मिलेगा। अब सीलिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको PVC शीट का यहाँ पर आपको बेडरूम में सीलिंग मिल जाता है। सेंटर में आप फैन रख सकते हो, सामने आपका आ जाता है आपका ट्यूबलाइट। वायरिंग यूज़ किया है हमने, पॉलीकैप का वायर यूज़ किया है। और ये आपका पावर बोर्ड, लाइट और फैन के लिए आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। अब मैं आपको दिखा देता हूँ डोर का क्वालिटी, देखिए किस तरीके से आपको मेंटेन करके, चॉल प्रॉपर्टी है लेकिन कैसे सारी चीज़ आपको मेंटेन करके दिए गए हैं अच्छे क्वालिटी का। अब ये है आपका किचन का एरिया। अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूँ तो ऐसे में आपको 6 फीट के आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। और ऐसे में आपको मिल जाएगा आपका 6 फीट के आसपास, तो 6x6 के आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिल जाएगा ये वाला आपका किचन। और सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका ग्रीन मार्बल का ये प्लेटफॉर्म है, स्टेनलेस स्टील का सिंक है और पानी
24 घंटा यहाँ पर आप पानी यूज़ कर सकते हो। वो क्यों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये पूरा आपका वॉल टू वॉल यहाँ पर आपको टाइल्स लगा कर दिए गए हैं, और इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है विंडो, प्लस आपको यहाँ पर भी आपको ग्रिल मिल जाता है। तो आपको कहाँ कहाँ पर मिल गया, सेफ्टी डोर एक आपको मिल गया, इसके अलावा आपको सामने का जो लिविंग है उसमें आपको ग्रिल लगा कर मिल जाता है, किचन में आपको ग्रिल लगा हुआ मिल जाता है। तो ये सारे आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लाइक आपका 30-40 हज़ार जो खर्चा होना था वो आपका बच गया, लाइक एक 25 हज़ार तो एनी हाउ आपका चला जाएगा सेफ्टी डोर। और आजकल लोखंड का भी महंगा हो चुका है। ऊपर अगर आप देखोगे तो ऊपर आपको मिल जाएगा 550 लीटर का टैंक, और इस वाले ऑनर ने बाकायदा 10,000 रुपया पे करके यहाँ का ग्राम पंचायत कनेक्शन का जो पानी है डायरेक्टली लिया है उन्होंने। तो 10,000 खुद का ही जेब से लगाकर उन्होंने पानी का कनेक्शन लिया है। तो पानी आपको एक घंटा छोड़ते हैं ग्राम पंचायत के तरफ से, लेकिन आप यूज़ कर सकते हो 24 आवर्स। कैसे, 550 लीटर का आपको यहाँ पर ऊपर टैंक मिल जाता है, तो आपका एनफ हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपका ज़्यादा यूज़ है, 550 लीटर से ज़्यादा यूज़ है, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ पानी ऐसे स्टोर करके रख सकते हो। इसके अलावा बाथरूम में आप यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हो, ऐसे लाइक उन्होंने जैसे यहाँ पर स्टोर करके रखा है वैसे आप यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हो। ऐसे नहीं कहूँगा मैं आपको 24 घंटा पानी वहाँ से रिलीज़ करते हैं, वहाँ से एक घंटा डेढ़ घंटा पानी छोड़ते हैं, तो बाकी का जो है वो आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा आपका यूज़ का हिसाब से। बाकी बाथरूम आप देख लीजिए, यहाँ पर वॉल टू वॉल आपको यहाँ पर टाइल्स लगाकर मिल जाता है, यहाँ पर आपको इंडियन आपको मिल जाता है, और चाहो तो आप यहाँ पर वेस्टर्न भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। जब आप बाय करेंगे इसके ऊपर आपका डिपेंड है कि आपको कैसे चाहिए, कि आपको वेस्टर्न चाहिए या फिर इंडियन चाहिए। अभी मैं आपको एक एक करके प्राइस बता देता हूँ इसका, और लोकेशन वगैरह मैं सारे चीज़ क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये प्रॉपर्टी आपका नेरल में है, नेरल रेलवे स्टेशन से मात्र 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में ये प्रॉपर्टी 1 BHK है, 450 स्क्वायर फीट का एरिया है। जिन लोगों को पसंद है वो लोग विजिट कर सकते हो। यहाँ पर होगा ऐसे कि अगर आप फाइनेंस में जाएंगे तो फाइनेंस में आपको 20-30% के आसपास आपको पेमेंट करना पड़ेगा, बाकी 60-70% आपका फाइनेंस हो जाएगा। इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ेगा, लाइक आपका 11-12% का हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे प्रॉपर्टी में नेशनलाइज बैंक लोन नहीं देता है। ग्राम पंचायत पासिंग में कोई भी नेशनलाइज बैंक लोन नहीं देगा, चाहे वो SBI हो, चाहे वो HDFC हो, चाहे वो येस बैंक हो, ऐसे प्रॉपर्टी में लोन नहीं मिलता है। तो इसमें फाइनेंस का ही ऑप्शन रह जाता है, तो फाइनेंस में आप जाएंगे तो 10-11% के आसपास लगेगा। अगर आप चाहते हो फुल कैश देने के लिए तो फुल कैश भी आप दे सकते हो, इसमें आपको फुल कैश चला जाएगा अप्रॉक्स 8,50,000 उनका आस्किंग प्राइस है, विच इज स्लाइटली आपका निगोशियबल हो जाएगा। और आप चाहते हो कि फाइनेंस में जाने के लिए तो फाइनेंस में भी आप जा सकते हो, अगर आप चाहते हो कैश में लेने के लिए तो कैश में आपको 8.5 लाख रुपया चला जाएगा, विच इज़ स्लाइटली आपका निगोशियबल रहेगा। आप काफ़ी सारे लोगों को नेरल के बारे में नहीं पता रहेगा, जिन्हें नहीं पता स्पेशली उन लोगों के लिए, नेरल है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट तालुका कसदर स्टेट महाराष्ट्र, मेन मुंबई से तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस में आते हैं नेरल सिटी, बिल्कुल हाईवे टच है। नवी मुंबई की तरफ से आप आते हो तो 1.5 घंटे में आप इजीली ड्राइविंग डिस्टेंस में पहुंच जाएंगे। तो प्रॉपर्टी कैसे लगा कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताना। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।